अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं कुनाफा बनाने लगी थी, लेकिन कुनाफा में माइक्रो ओवन और मैं उसमें ज़रूर बनाती हूँ, तो आज सोचा कि एयर फ्रायर में बनाया जाए। फर्स्ट ट्राई है ये मेरा, आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कुनाफा ले लिया है, जिसको मैंने पीसेस में अच्छे से तोड़ लिया है कुछ इस तरीके से। इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है, मक्खन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया है और इसमें मैंने लगा दिया है। बस ये तो बस मैं यहाँ अच्छी तरह से मक्खन लगा रही हूँ। ब्रश से भी लगा सकती थी, लेकिन मेरे पास ये मक्खन जो था मेल्ट नहीं था, तो मैंने इसको हाथ से ही हर जगह लगा दिया। और यहाँ पर अब मैंने ये कुनाफा रख दिया है, थोड़ा सा कुनाफा लूँगी और इसके अंदर रख दूँगी। और अब मैं इसको सेट करने लगी हूँ। बस ये सब सेट करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो डालूँगी वो होगी क्रीम। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पहले सेट करना है, अच्छे से दबा दबा के, ताकि ये इसकी एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना ली और अब मैं इसमें क्रीम ऐड करने लगी हूँ। तो आप लोग भी देख लें कौन सी क्रीम डाल रही हूँ मैं। ये कुनाफे की थी तो मैंने ये क्रीम ले ली। हमें इसके ऊपर जितनी हमने यानी इसमें डालनी है वो डाल सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। कम डालें ज़्यादा डालें, ये आप पर है कि ये पूरा डाल दें। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैलानी भी है, तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने सब जगह डाल दी। और अब मैं इसको फैलाऊँगी। अब ये मैंने क्रीम को फैला लिया और अब मैंने जो कुनाफा जो था बटर के साथ अच्छे से मिक्स जो किया था, और कुनाफे को मैंने पीसेस किए थे यानी तोड़ के उसको बटर के साथ मिक्स किया था, उससे पेस्ट बनाई, क्रीम लगाई। अब ऊपर से मैंने क्रीम को अच्छे से कवर करना है इस कुनाफे के साथ। तो मैंने इसको कवर कर दिया क्रीम को। अब मैं इसको एयर फ्रायर में रखूँगी। तो ये देखें, अब मैं इसको एयर फ्रायर में रखूँगी 3 मिनट्स के लिए 180 डिग्री। यहाँ पे सेट भी करना है टाइमर, मैंने टाइमर सेट कर दिया है। टाइमर सेट करने के बाद अब मैंने जो सबसे पहले काम करना है वो होगा इसका सिरप। तो मैंने किस तरीके से सिरप बनाया है इसका, वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने एक कप बल्कि 1 ग्लास मैंने पानी लिया है इधर, और इसमें मैंने डालना है शुगर। जितना सिरप आपने मीठा रखना है उस लिहाज से मैंने चीनी डाली है। हम लोग जो है सिरप ज़्यादा मीठा नहीं बनाते, तो मैंने यहाँ चीनी कम ली है। तो 1 कप पे आप यानी 1 ग्लास में आप तकरीबन चीनी ले लें आप कम से कम 6 चम्मच। बस यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। चीनी मेल्ट होगी और थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, तो बस सिरप रेडी है। आज खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो यहाँ पर हम ये समोली लेंगे। और अब मैं अंडे वाली समोली बनाएंगे, सैंडविचेस बनाकर वो खाएंगे। तो मैंने यहाँ कटिंग शुरू कर दी है पहले, और जब सिरप बन जाएगा तो बस उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम कुनाफे में डालेंगे। यहाँ मैंने कुनाफे बनाएंगे
और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए थे, कुनाफा रेडी है और बन गया था। और यहाँ पर हम कुनाफा एंजॉय कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस ये रहा है मेरा एयर फ्रायर के साथ कि उसको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। पहले प्री हीट करें एयर फ्रायर को, उसके बाद आप ये कुनाफा रखें, क्योंकि नीचे से फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो यहाँ पर ये मैं ट्राई कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। और फिर मैंने कहीं देखा था कि अगर नीचे से इस्त्री इस तरीके से हो जाए तो आप पैनाडोल लें और इसमें रब करें, तो ये सब जितना भी ये जला है ये हट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में, और मैं ये करती रही और टिशू के साथ मैंने इसको साफ़ करने की पूरी कोशिश की। तो मैंने तकरीबन 3 पेनाडोल ज़ाया कर दी इसी तरह। तो जितनी आप पेनाडोल लगाते रहेंगे, और इस्त्री गर्म है तो एहतियात से लगाना है। तो फिर मैं लगाती रही, इस तरीके से पेनाडोल ख़त्म हो रही थी। तो इसका मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है, अल्लाह ना करे अगर हाथ टच हो गया ना हमारा इस्त्री के साथ तो जल गया, बस काम हो गया। तो मेरे को यही समझ है कि नई इस्त्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मेटल है ना वो, फिर इसके नीचे सेरामिक कोटिंग होती है वो फिर हट जाती है, तो फिर कपड़े जलने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इस्त्री नहीं ले लें, वरना ये जुगाड़ अगर जो करना चाहे वो कर सकते हैं अच्छे से। तो बस 3 पेनाडोल लगाने के बाद मेरी तो बस हो गई थी, तो मैंने ये यहीं पर स्टॉप कर दिया था। ये देखें साफ़ तो हो रही थी जब मैंने टिश्यू से इस तरीके से रगड़ा, तो जितना भी मेल्ट हुआ था ये, तो ये अच्छे से आ गया था टिश्यू पर। तो आप करते रहें, पेनाडोल होती भी छोटी है और अगर वो मेल्ट होने लगे तो फिर वो बचती भी नहीं है इतनी, क्योंकि आप पकड़ेंगे या फिर उसको रब करेंगे समझ से बाहर हो जाता है। तो बहुत एहतियात से देखें, ये मुझसे बहुत जल्दी जल्दी गिर रही थी, तो मैं कर रही थी, लेकिन 3 पेनाडोल के बाद मैंने स्टॉप कर दिया ये काम करना। ये नेक्स्ट डे हो गया है और मैं हरम जाने लगी थी, तो उससे पहले ये पार्सल आया है। ये पार्सल अब्बू के लिए हमने सरप्राइज़ मंगवाया है इसमें। हम गए थे कुछ दिनों पहले मॉल में हमें सैंपल मिला था परफ्यूम का, और उसकी फ्रेग्रेंस वाओ, क्या बताऊँ क्या है ये। बस अब्बू को बहुत पसंद आई थी, तो यहाँ पर भाई ने अब्बू के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, एक अपने लिए, दो अपने लिए और एक अब्बू के लिए ऑर्डर किया है। तो मैं हरम जाने लगी थी तो भाई ने बोला ये आ गए तो आप ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दें। तो फिर मैं ये अनबॉक्सिंग करने में लगी हुई थी, और अब्बू को इस तरीके से भाई ने सरप्राइज़ दिया। और मैं हरम जाती हूँ तो कम से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले हरम के लिए निकलती हूँ घर से। कभी नॉर्मल स्पीड पकड़ती हूँ, कभी स्पीड में जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और अब्बू को भाई ने सरप्राइज़ दिया है। तो मैं बस यहाँ पर देख रही थी किस तरीके से ओपन होगा ये, इसको कितना भी इधर से उधर से कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था ये ओपन। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ओपन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरम पाक पहुंच गई। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जंगल पहुँची हूँ। फिर मैंने आकर हरम पाक में पढ़ी थी,
गोवा से क्या क्या लाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये शाही और कावे का शक्कर लाई थी। और उसके बाद मैं ये आप लगा सकते हैं इसको कप पे। और अब ये देखें, ये दूसरी चीज़ ये मुझे बहुत पसंद आई, ये है की चैन। तो ये मैंने सोचा कि बैग पे लगा लूँगी। और ये स्टैम्प, ये दो ले ली थी मैंने। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है बंदे को, तो बस मेरे को ये अच्छी लगी तो ये सब मैंने ले ली। और दूसरी चीज़ ये देखें, सिलिकॉन मोल्ड, ये सिलिकॉन मोल्ड लाई हूँ। और ये देखें, मुझे तो फेरी लाइट बहुत पसंद आई थी तो ये भी मैंने ले ली। ये फेरी लाइट अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले ली। और किसी से देखें लगता ले रही थी रेड फोन, बस मैंने इसमें किया और ये फोन भी लिया। और दूसरा ये मैंने ये आईडी कार्ड होल्डर भी लिया है। और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, मैंने ले लिया। और ये भी मैंने ले लिया। दूसरा ये परफ्यूम था, ये भी बस सही था लेकिन मैंने लेना था तो ले लिया। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी तो जो समझ आए वो ले ली। ये कटिंग बोर्ड है लेकिन हैंग करूँगी वॉल पे। और ये ले लिया रबर बैंड, ये स्क्रबर। और ये मुझे लेनी थी ये कैन, ये बैग है वाटर बैग ले लिया है। और ये ऑयल कैन ले लिया है। और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये हुक्स, तो ये हुक्स इन्होंने ले लिए। ये 3 kg वेट इसका, यानी ये उठा सकता है आप, तो यूज़ करके ही पता लगेगा। और ये मैग्नेट, ये भी मैंने ले लिया, आई लव मक्का। और ये सब तमाम छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी, मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें, कुछ नहीं चाहिए थी लेकिन अच्छी लग रही थी तो मैंने ये सब चीज़ें ले ली। और ये देखें, ये था लेबल्स, चॉकबोर्ड लेबल्स, ये ले लिए लेबल्स। और ये देखें, ये कौन मैंने वहाँ पर लगा के चेक करी थी तो ये देखें रेड कलर आया था, रेड कलर की कौन है ये, बस मैंने वहीं पर ट्राई की थी चेक करने के लिए, अच्छा कलर लगा था। और फिर रात में हम लोगों ने ये फूल खाया और बैगन फ्राई और ये कुछ मिस्री खाना है, ये हम लोग ने रात को इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो।